हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले मॉक्सिसस आई ड्रॉप्स के बारे में। मॉक्सिसस आई ड्रॉप्स का क्या है, जो एक कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने देरी होता है, यूज़ करने से क्या बेनिफिट हो सकता है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए और किस प्रकार काम करता है, ये आई ड्रॉप्स को यूज़ करने का सही तरीका क्या, इसको कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है और ऑप्थल्मिक डॉक्टर इसको क्यों रिकमेंड करते हैं। तो मॉक्सिसस आई ड्रॉप्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रही। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किया नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन प्रेस कर दिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो के बाद। इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं मॉक्सिसस आई ड्रॉप, जो कि हमारे पास 5 ml का आई ड्रॉप्स है, जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास आई ड्रॉप्स है उसकी MRP 154। मॉक्सिसस आई ड्रॉप्स को इप्का लेबोरेटरी लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। मॉक्सिसस आई ड्रॉप्स के अंदर इंग्रीडियंट्स की बात करें तो इसके अंदर इंग्रीडियंट्स है मॉक्सीफ्लोक्सासिन 0.5% वेट बाई वॉल्यूम्स इसके अंदर डाले गए हैं। यानी कि मॉक्सिसस आई ड्रॉप्स के अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल डाला गया जिसका नाम है मॉक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप्स। मॉक्सिसस आई ड्रॉप्स का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन के इलाज के लिए यह आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि यह आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल आँखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए यह आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। मॉक्सिसस आई ड्रॉप्स के अंदर जो मेडिसिन रहती है यानी कि मॉक्सीफ्लोक्सासिन, वो एक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन से ये इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया के विकास को अवरुद्ध करके काम करता है। ये आंखों के इन्फेक्शन के कारण होने वाले दर्द, लालपन, खुजली और छाले जैसे लक्षणों से राहत दिलाने में मदद करता है। मॉक्सिसस आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल आंखों में बैक्टीरिया इन्फेक्शन के इलाज के लिए आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। मॉक्सिसस आई ड्रॉप्स के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट में हो सकता है आंखों में परेशानी होना, आंखों में सूखापन होना, आंखों में जलन होना, तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो मॉक्सिसस आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल अपने ऑप्थल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। मॉक्सिसस आई ड्रॉप्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स मॉक्सिसस आई ड्रॉप्स। मॉक्सिसस आई ड्रॉप्स के अंदर जो मेडिसिन रहती है यानी कि मॉक्सीफ्लोक्सासिन, वो एक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन से यह बैक्टीरिया के विभाजित होने और मरम्मत करने से रोककर बैक्टीरियस आई इन्फेक्शन का इलाज करता है। यह DNA गायरस नामक जीवाणु एंजाइम की क्रिया को रोकता है। मॉक्सिसस आई ड्रॉप्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल विजय से फैमिली डॉक्टर या ऑप्थल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें। बाद में इस आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें, अपने मन से मॉक्सिसस आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो मॉक्सिसस आई ड्रॉप्स के बारे में कुछ भी डॉक्टर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मॉक्सिसस आई ड्रॉप्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज और नॉलेज के लिए था। कोई भी आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।